आज मैं आपको राजपूती लहंगे की कटिंग बता रही हूँ। लहंगा बनाने में 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ होता है और मैं 8 कली का लहंगा बना रही हूँ। तो कपड़े को मैंने इस तरीके से रखा है, उसकी दोनों किनारों को मिला लिया है और फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए, मैंने इसे लंबाई में फोल्ड कर लिया है। इधर मैं 40 इंच लंबाई का लहंगा बना रही हूँ, उसमें 2 इंच कम करके मैंने 38 इंच लिया है और इसे सीधा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। 40 इंच में 2 इंच कम करके 38 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। अभी हमने यहाँ पे 2 इंच कम किया है, लेकिन बाद में मगजी और नेफा लगाने के बाद इसकी पूरी 40 इंच लंबाई हो जाएगी। अब इसे आप कट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने एक कट कर लिया है और मैंने इसके अब 2 पीस कट कर लिए हैं। ये देखिए, अब इन 2 पीसों में से हमें इसके 4 पीस बनाने हैं, तो आप इन्हें सिंगल कर लीजिए। ये बीच में से भी आप कट कर लीजिए और जो हमने ऊपर से फोल्ड किया है उसे भी आप काट लीजिए। ये देखिए, मैंने 4 पीस काट के तैयार कर लिए हैं। अब हमें इन 4 पीसों को अलग तरीके से रखना है। तो हमें इस तरीके से रखने हैं कि कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर आना चाहिए और सीधा हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए। तो चारों पीसों को मैं इस तरीके से रख रही हूँ। ये देखिए, सीधा हिस्सा नीचे की साइड आना है। अब एक के ऊपर एक चारों पीसों को आप बिल्कुल बराबर तरीके से रख लीजिए। तो इधर मेरे लहंगे की कमर है 40 इंच और 40 इंच कमर में हम 8 कली का लहंगा बना रहे हैं, इसलिए हम उसे 8 से डिवाइड करेंगे। तब हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच आएगा और उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिए तो हो गया हमारा 7 इंच, क्योंकि हमें हर कली में एक एक चुन्नट देनी है इसीलिए। तो मैंने 7 इंच में निशान लगा लिया है। दोनों साइड लगाना है, एक साइड इधर और एक साइड उधर, दोनों और ए भी होना चाहिए। इन दोनों को अब मिला लीजिए और निशान लगा लीजिए। इस तरीके से निशान लगा के फिर आप कट कर लीजिए ताकि हमारी कलियां निकल जाएं। अब हमारी 8 कलियां निकल गई हैं, 4 उधर की साइड से और 4 इधर की साइड से। अब हमें ये 4 कलियों को उठा के सीधा रख देना है। ये देखिए, अब हमारी कमर ऊपर दिख रही है और ये किनौर है। 4 कलियाँ सीधी रहती हैं और 4 औरें भी। ये इस तरीके से इन्हें जोड़ लिया जाता है। अब मगजी काटने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि मगजी हमेशा औरें भी कटती है। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और फिर से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। इससे हमारी सारी मगजी एक साथ कट हो जाएगी। मगजी की चौड़ाई मैं 5 इंच ले रही हूँ ताकि हम फोल्ड करेंगे तो मगजी हमारी 2.5 इंच रह जाएगी। तो 5 इंच पे आप निशान लगा के कट कर लीजिए। आप इसके सिंगल पीस कर लीजिए, ऊपर से भी कट कर लीजिए। सारी मगजी हम एक साथ निकाल रहे हैं। ये देखिए, हमने सारे पीस सिंगल कर लिए हैं। अब हम इस 5 इंच की मगजी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर ये हमारी 2.5 इंच की मगजी तैयार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।